चंद्रयान 3 इतिहास रचने वाला है। अब की बार भारत चांद को अपनी मुट्ठी में कर ही लेगा। चंद्रयान 3 की सफलता से नया भारत इतिहास रचेगा। इसी महीने की 14 तारीख को चंद्रयान 3 की यात्रा शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको 2019 का वो शनिवार याद होगा जब श्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह बेंगलुरु के इसरो के हेड ऑफिस पहुंच गए थे। उसी समय चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था, तभी लैंडिंग के मिशन से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था और चंद्रयान 2 का 47 दिनों का यह मिशन समाप्त हो गया था। उस वक्त चंद्रयान 2 के लिए सालों से मेहनत कर रहे वैज्ञानिकों की आंखें नम हो गई थी। इसरो के चीफ के सिवान की आंखें झलक पड़ी थी और पीएम मोदी ने उनको गले लगाकर दिलासा दिया। बाद में के सिवान ने कहा, पीएम मोदी के ये शब्द हौसला बढ़ाने वाले थे, हमें हौसला रखने को कहा और उम्मीद को जिंदा रखने के लिए प्रेरित किया। इसरो एक बार फिर से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने वाला है। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 चांद पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पहले से ही पूरी तैयारी हो चुकी है। चंद्रयान 3 का कुल बजट 651 करोड़ के आसपास है। अगर चंद्रयान 3 चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चाइना चंद्रमा पर स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं। प्रत्येक भारतीय की निगाहें इन मिशन पर टिकी है। इसरो ने चंद्रयान 2 की असफलता से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में सुधार की पूरी कोशिश की है। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता करेगा वहां का तापमान कैसा है, पृथ्वी पर भूकंप कैसे आते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और वहाँ की मिट्टी में कौन कौन से तत्व मौजूद है। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुँचाने के लिए 3 मॉड्यूल तैयार किए हैं। पहला है लैंडर मॉड्यूल, दूसरा है प्रोपल्सन मॉड्यूल, तीसरा है इंटरग्रेटेड मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। इसके एक साइड सोलर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं। ये ऑर्बिटर की तरह ही चांद के चक्कर लगाएगा, लैंडर और इसरो के बीच कम्युनिकेशन करने का काम करेगा। इसके बाद आता है लैंडर मॉड्यूल, यह स्पेसशिप को चांद पर लैंड करवाने वाला हिस्सा है। लैंडर का वजन 7552 केजी है। रोवर एक इम्पोर्टेड मॉड्यूल है, यह चंद्रमा के सरफेस में घूमकर जानकारी कलेक्ट करने का काम करेगा। इसका वजन 26 किलो है। इसके साइड पर सोलर पैनल लगे हुए हैं जो रोवर में एनर्जी प्रदान करने का काम करेगा। चंद्रयान 2 में एक हिस्सा और था जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। अब इसरो इसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग में इस बार लैंडर में कई सारे सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इसे सतह पर रुकावट से टकराए बिना लैंड करने में मदद करेगा। अगर यहाँ किसी भी एक सेंसर में प्रॉब्लम हुई तो दूसरा सेंसर तुरंत इसकी जगह ले लेगा। इसकी ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए एल बैंड एंटीना का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल साइड एरिया में उतरेगा। यहाँ लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल है। चंद्रयान 2 यहीं पर लैंडिंग करते वक्त फेल हुआ था। यहाँ चांद की सतह पर क्रेटर बने हुए हैं, यहाँ प्लेन जगह मिलना मुश्किल है। किसी भी वक्त यहाँ लैंडर के फिसलने या नष्ट होने का खतरा बना रहता है। आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा, चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल है तो इसरो बार बार वहीं पर लैंड करने की कोशिश क्यों कर रहा है। असल में ये चांद का वो हिस्सा है जो पृथ्वी से कभी नज़र नहीं आता है। ये वो जगह है जिसे चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी। बाद में नासा ने भी ये बात कंफर्म की। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं जहाँ कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती है। इसी वजह से सूरज के रेडिएशन से भी बचे रहता है और यही कारण है कि यहाँ जीवन के अंश मिलने की संभावना है। ये इसीलिए चंद्रयान 3 को इस जगह चांद के हिस्से पर लैंड करवाया जाएगा।